So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th physics. It is current electricity and video number 8. और 7 में हम लोग जब देख चुके थे लास्ट सीरीज बता दिए, पैरेलल बता दिए, मिक्स बता दिए, करंट कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं. 100% के क्वेश्चन उस टाइप का आने वाला एग्जाम में प्रैक्टिस कर लेना चाहिए. तो चलिए हम लोग पढ़ते पावर. पावर क्या होता है? पावर पावर इज द वर्क डन इन 1 सेकेंड. याद आ रहा है, पावर निकालना है तो वर्क डन बाय 1 सेकेंड, पी डब्ल्यू बाई, लेकिन डब्ल्यू ने दिया होता है उसके बदले में वी क्यू होता है, बताए थे क्या याद है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई, पहला वीडियो देखिएगा, डब्ल्यू बाई क्यू था, वर्क बाई चार्ज था, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू लिख के बाई टी, और क्यू बाई टी को क्या बोलते हम लोग, क्यू बाई टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं. सबसे ज्यादा यही वाला पावर निकालना वी इंटू आई कर, पावर निकालना V इंटू आई. वी क्या है पोटेंशियल, I क्या है करंट. V पोटेंशियल, I करंट. पावर निकालने का फॉर्मूला V इंटू आई. ओम्स लॉ में जानते हैं कि V इक्वल टू कितना बार लिख चुके हैं, I R, थोड़ा ये V इक्वल टू आई आर, आई आर इंटू आई, तो क्या निकल गया, आई स्क्वायर आर. बस I पता है, रेजिस्टेंस पता है, आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये हो गया. V इंटू आई से एक और निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ में क्या होता है, V का वैल्यू आई आर, पर आपको I निकालना है तो V बाई आर, मतलब आपको किस टर्म में निकालना है. अगर V और I पता दिए ना फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको I स्क्वायर, I और R पता दिए वाला यूज करिए, है कि नहीं. V क्यू बाई टी जनरली कम यूज होता है, सबसे अधिक ये वाला दोनों यूज होता है, और V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हैं, यानी क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, पावर इक्वल टू वर्क बाई चार्ज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है नहीं, या वी क्यू बाई टी, ठीक है. और यूनिट बता चुके थे, यूनिट क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट, है ना, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर. इधर बड़ा यूनिट क्या होता है, किलो वाट, 1000 वाट मेक्स 1 किलो वाट. 1 किलो वाट 1000 वाट, कोई डाउट नहीं है, 1 किलो वाट इज 1000 वाट. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, इधर 1 हॉर्स पावर. और 1 मेगावाट, बड़ा और बड़ा, MW इज इक्वल टू 10^6 वाट, सबसे बड़ा यूनिट यही होता है. इतना हम पढ़ चुके थे, नोट कर लीजिए, चलिए आगे पढ़ते हैं. एनर्जी के बारे में बताइए, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस कुछ नहीं करते, जितना हम लोग द एनर्जी कंज्यूम्ड कोई इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एनर्जी क्या होता है. तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, सिंस पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, तो पावर वर्क को एनर्जी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, वर्क बोली एनर्जी बोली एक ही बात होता है. तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, जितना एनर्जी हम लोग कंज्यूम करेंगे मतलब यूज करेंगे वही एनर्जी होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जितना हम लोग यूज किए वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी कहलाता है. पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम, सबसे बड़ा फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकालना है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर, क्लियर है. इसका यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, हम लोग घर में जो इलेक्ट्रिकल बिल आता है इसी के हिसाब से आता है ना. लोग लाइट यूज करते हैं घर में, पंखा चला रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब में इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करता है एनर्जी कितना कंज्यूम किए हैं, और वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है. इसका पावर को होना चाहिए किलोवाट में, इसमें किलोवाट में, और टाइम को होना चाहिए आवर में. यानी कोई पूछेगा इलेक्ट्रिकल आवर का एनर्जी का, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है, तो बोलिए किलोवाट. पावर को किलोवाट में बताना है और टाइम को आवर में. KWH देखिए आप यही मीटर का जो रीडिंग आता है ना इसी हिसाब से आता है, मीटर का जो रीडिंग आता है इसी हिसाब से आता है. KWH किलोवाट आवर, मीटर का रीडिंग जो होता है वो किलोवाट आवर के रूप में होता है. अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं है. और भी फार्मूला निकाल सकते हैं, एनर्जी निकालने का फार्मूला पावर इनटू टाइम, ठीक है. इसको एक जूल सेकंड बोल सकते हैं ना, जूल सेकंड बोल सकते हैं.
इन वर्क बोलिए, एनर्जी बोलिए, चाहे हीट कितना प्रोड्यूस किया, क्या बात है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करके हीट निकल, बल्ब जला हीट निकल रहा है, बल्ब मोबाइल चला तो हीट भी निकल रहा है, ठीक है, नहीं एकदम गर्म हो जाता है मोबाइल पीछे तरफ, टीवी पंखा सब गर्म हो जाता है, वायर सब गर्म हो जाता है। तो हीट बोलिए, एनर्जी बोलिए, वर्क बोलिए, फार्मूला क्या होगा, पावर इंटू टाइम, ठीक है नहीं। और हीट निकालने बोलेगा ना, एनर्जी एनर्जी बोलेगा तो किलो वाट आवर में निकालिए। एनर्जी अगर बोला है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तब हम लोग किलो वाट आवर में निकालते हैं, ठीक है ना, किलो वाट आवर। और बाकी वर्क निकालने बोलेगा, यहाँ हीट निकालने बोलेगा ना, तो जूल में निकालना पड़ता है, तो ये वाट में होना चाहिए, ध्यान सुन लीजिए, और टाइम सेकेंड में, वाट सेकेंड को ही तो जूल बोलते हैं हम लोग। वर्क बोलिए, हीट बोलिए, पावर इंटू टाइम, वर्क बोलिए, हीट बोलिए, पावर इंटू टाइम। एनर्जी निकालने बोलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, ये वाला एक ही चीज है, लेकिन ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, ये बहुत बड़ा यूनिट है किलो वाट आवर। हम लोग घर में इलेक्ट्रिकल बिल जो आता है ना, वो किलो वाट आवर में ही आता है। जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल बिल का यूनिट है एट द रेट ऑफ 2 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 1 किलो वाट आवर खर्च करेंगे ना, तो 2 रुपया देना पड़ेगा। अगर महीने में 50 किलो वाट आवर खर्च कर दिए ना, तो 50 × 2 = 100 रुपया देना पड़ेगा। जब भी एनर्जी कंज्यूम्ड निकालने आएगा किलो वाट आवर में, बाकी वर्क निकालने आएगा, हीट निकालने आएगा, पावर इनटू टाइम निकालना है, जो जूल होता है। अंडरस्टूड? हम सोच रहे हैं अच्छा से, और भी निकाल सकते हैं वर्क या हीट का फॉर्मूला। देखिए पावर का फॉर्मूला हम लोग आज निकाले हैं, क्या क्या निकाले हैं, पावर का फॉर्मूला वी आई भी था, याद आ रहा है, वी आई टी। तो वर्क और हीट का फॉर्मूला निकल गया वी आई टी, वी इंटू आई इंटू, मतलब पावर को टाइम, पावर क्या था, वी आई था। देखिए हम कल भी लिखे थे, पिछले वीडियो में भी लिखे थे, अभी शुरू भी किए थे, वी आई। वर्क इक्वल टू वी का वैल्यू क्या होता है, आई आर, आई आर इंटू आई टी, वी को चेंज कर दिए, इसको बोलते हैं जूल्स लो भी बोलते हैं। हीट का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी भी फॉर्मूला बन गया, वी आई टी बन गया, मतलब पावर को टी, ये पावर को टी से मल्टीप्लाई, ये पावर है वी आई, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, आई स्क्वायर आर पावर था, टी से मल्टीप्लाई कर दिए। वर्क इक्वल टू हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। वर्क इक्वल टू हीट इक्वल टू, एक और निकाल रहे हैं, आई का वैल्यू क्या होता है, वी बाई आर का स्क्वायर इंटू क्या होगा, आर टी। काटा काटी कर लेंगे, वर्क या हीट निकाले आएंगे तो वी स्क्वायर, एगो आर स्क्वायर है, ये आर है, देखिए आर का स्क्वायर है ये, तो एगो आर बचेगा और टी बचेगा। एक जगह लिख रहे हैं, वर्क निकालने बोल दिया, हीट निकालने बोल दिया, पावर इंटू टाइम से बन जाएगा। अगर पावर पता है, टाइम पता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, नहीं ये वाट में होना चाहिए और ये सेकेंड में। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकालने बोलेगा तो वही फॉर्मूला है, लेकिन पावर इन टाइम, पावर किलो वाट में, टाइम आवर में होना चाहिए। एकदम ध्यान से मेरा बात सुनना भी चाहिए आपको। पी टी के बाद हम लोग का क्या निकल गया, वी आई टी निकल गया, फिर हम लोग के पास आई स्क्वायर आर टी भी निकल गया, फिर हम लोग के पास वी स्क्वायर बाई आर टी निकल गया। देख रहे हैं कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। और वर्क और हीट निकालना है तो जूल में आंसर होगा। जूल एनर्जी कंज्यूम्ड निकालना है तो ये आंसर होगा। और ये आई स्क्वायर आर टी को हम लोग बोलते हैं जूल्स में, अभी लिखने वाले हैं। सारा फॉर्मूला लिख देखिएगा, ओम्स लो वी इक्वल टू क्या है, आई आर, आई निकालना तो वी बाई आर, आर निकालना तो वी बाई आई, तो ओम्स लो पढ़ लिए। रेजिस्टिविटी क्या था मालूम है ना, आर एस बाई एल, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर है, पढ़ लिए थे। सीरीज में क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है, वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, थ्री रहेगा, थ्री भी लिखना है, सेम रहता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल सेम, तो आर बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। फिर हम लोग पढ़ लिए पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम, वी क्यू बाय टाइम, आई वी आई वी स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर आर। फिर वर्क पढ़ लिए, एनर्जी पढ़ लिए, पावर इनटू टाइम, क्लियर है।
वर्क इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। उसके बाद वर्क बोलिए, एनर्जी बोलिए, हीट बोलिए, पावर इनटू टाइम को फिर चेंज किए वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी। बार बार लिख रहे हैं, 10 बार लिखने चाहिए फिर सारे क्वेश्चन आने पहले। वी स्क्वायर बाई आर टी हो गया। इसमें कहता है जूल्स लो, यहां पे देखिए आई स्क्वायर आर टी, वर्क इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसमें 3 लॉज है, हीट डिपेंड करता है किस पर, आई स्क्वायर पर, स्क्वायर ऑफ करंट। अगर हम लोग क्या करते हैं आर और टी को कांस्टेंट रखते हैं, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट प्रोड्यूस फर्स्ट लॉ है, ध्यान सुनिए, ये दोनों को स्थिर रखिए, आई का स्क्वायर पर जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट। इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसे पूछता है, एच प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर। ये क्या हो गया फर्स्ट लॉ, या हीट अपने से लिखा लिख लीजिए, पी प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्या होता है करंट, हो गया बस फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में क्या होगा, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर। अब आर में डिपेंड करता है, आर में भी डिपेंड करता है जब आई स्क्वायर और टी को क्या रखे स्थिर। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक नंबर एग्जाम ऐसे ही मिल जाता है एक नंबर, आप पूरा लैंग्वेज में चाहते ऐसे लिखिए, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ आई एन टी आर कॉन्स्टेंट। और थर्ड क्या होगा, थर्ड लो, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना देर टाइम, थोड़ा देर के लिए थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, बहुत देर तक चलेगा देखिए गर्म हो जाता है, तो वायर सब गर्म हो जाता है, बहुत देर टाइम पे डिपेंड करता है। जब क्या कॉन्स्टेंट रखे भाई, तो आई और आर को कॉन्स्टेंट, मतलब क्या, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। Understood? ये था जूल्स लो, हीटिंग के बारे में बता दिए, हीट और एनर्जी एक के बात है, पावर भी निकाल के दिखा दिए, पूरा जितना फॉर्मूला है बता दिए, नोट कर लीजिए। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, इसका यूनिट क्या होता है किलोवाट आवर। इसको हम लोग चाहेंगे जूल सेकंड में चेंज कर सकते हैं, बाकी हीट हीट और वर्क निकालने बोलेगा ना, तो पावर इनटू टाइम तो करेंगे लेकिन वाट सेकंड इसका यूनिट होता है। एनर्जी कंज्यूम्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिकल बिल का टाइम तो किलोवाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर को हम लोग चाहेंगे तो वाट सेकंड में चेंज करेंगे। देखिए किलोवाट कितना होता है 1000 वाट, और आवर कितना होता है 3600 सेकंड, मालूम है, यानी क्या लिखते हैं 1000 गुना 3600 इक्वल टू क्या होगा वाट सेकंड, तो कितना 36 एक दो तीन चार पांच या 3.6 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 3.6 10 का पावर 6 एक दो तीन चार पांच छह, यहां पॉइंट लगाए, क्लियर है, 3.6 वाट सेकंड। एक ही बात है, किलोवाट आवर को हम लोग वाट सेकंड में चेंज कर सकते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 का पावर 6 वाट, इतना बता दिए, बस क्वेश्चन बनाएंगे और चैप्टर खत्म एक वीडियो में, जितना भी क्वेश्चन है पॉसिबल हम बना के दिखा देंगे और चैप्टर खत्म हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेक्स्ट शुरू होने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नोट कर लीजिए।